वो हमसे टकराएगा, सीधा ऊपर जाएगा। गौ माता की जय। भाई को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए हम लोग यहाँ विद्यानगर स्टेडियम में और भारत की अंदर अराजकता फैलाए, ये करने से ना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राष्ट्र का समाज का एजेंडा है। घोषित कराने के लिए हम लोग यहाँ विद्यानगर स्टेडियम में और स्थापना दिवस मना रहे हैं और सम्मान समारोह भी है। इसमें हम लोग चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं, जो समाज में कुरूतियां जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, हमारे भाई बहन दबे हुए हैं जिनको शिक्षा पूरी नहीं मिल पाती, उनको आगे बढ़ाने के लिए, बहनों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए, खेलों को हमें बढ़ावा देने के लिए आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत के अंदर इंडिया टुडे मैगजीन ने लिखा है 60 लाख कार्यकर्ता है और हम भी कहते हैं 60 लाख कार्यकर्ता पूरे भारत में आज हमारे हैं। करनी सेना के लिए ये कहा जाता है कि असली करनी सेना नकली करनी सेना लोकेंद्र सिंह काली जिन्होंने शुरुआत की थी, वो कहते हैं कि सुखदेव सिंह जो तो करनी सेना नकली करनी सेना क्या वो तो आप रजिस्ट्रेशन देख लो, कौन असली है कौन नकली है, हम सब एक हैं, चाहे कालवी साहब हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, करनी सेना सब एक है। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 20 प्रदेशों में है और RSS है ना, वो सर्व समाज की है, ये सिंगल राजपूतों को लेकर चली थी, अब हम सर्व समाज की तरफ बढ़ेंगे। भारत के अंदर अगर सिंगल कौम के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन है RSS है, वो तो सर्व समाज को साथ लेकर के चलता है। RSS के बाद अगर इस देश का सबसे बड़ा संगठन है तो आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से है, ये अजय सिंह जी कंवर अजय सिंह जी अखिल क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं, तो हम सब लोग हैं एक मंच पर हैं। संगठनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बाकी हम सब एक हैं, जहां मुद्दे आते हैं उसके लिए हम एक रहते हैं। आज यहां कम से कम 20 जो संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं बड़े बड़े संगठन, उनके अध्यक्षों को यहां सम्मानित किया जाएगा। करनी सेना की ये उपयोगिता है कि कोई भी दबा कुचला हो, जिसको सरकार दबाना चाहती हो, प्रशासन कुचलना चाहता हो, वो हमसे संपर्क करे, उसकी मदद हम करेंगे, चाहे धरना देना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, उन भाई और बहनों के लिए हम उतरेंगे। गाय को बचाने के लिए हम उतरेंगे, बहन बेटी को बचाने के लिए हम उतरेंगे, और पहले भी हम लड़ते रहे, आगे भी सर्व समाज को साथ लेकर के लड़ेंगे। जहां सरकार और प्रशासन विफल हो जाता है, उनकी मदद नहीं कर पाता, उनकी मदद करनी सेना करती है। आगे आने वाले समय में करनी सेना का क्या एजेंडा है, किन मुद्दों पर आगे आने वाले टाइम आगे आने वाले में आज से करनी सेना का एक ही मेन में एजेंडा, जो पहले मुद्दे चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, इसके अलावा ये है कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कराएंगे, और जो गोचर भूमि है राजस्थान के अंदर गोचर भूमि है उनको हम अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे। सरकार के द्वारा पहले प्रेशर बनाएंगे, सरकार नहीं करेगी तो हम खुद जा करके अतिक्रमण हटवाने का काम करेंगे। CA और NRC को लेकर पूरे देश भर में उसके करनी सेना समर्थन में है, पुरजोर तरीके से समर्थन में, जो जय हित का भारत के लिए कानून बनता है उसके हम साथ हैं। जो उनके लिए यह कहना चाहता हूँ, उनको सद्बुद्धि दे, और जो बाहरी घुसपैठिए हैं, बाहरी आतंकवादी हैं, ISI के एजेंट हैं, उनको तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए। जो भारत के नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, माँ भारती को जो नमस्कार करते हैं, वो भारत में रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर बाहरी लोग यहाँ घुस करके और भारत की अंदर अराजकता फैलाए, ये करनी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये थे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, उन्होंने कहा कि राष्ट्र गौमाता और राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए काम कर रहे हैं और सर्व समाज के लिए आगे भी इनकी जो मुहिम है वो जारी रहेगी। जयपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, सिटीजन वॉइस। और भारत की अंदर अराजकता फैलाए, ये करनी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।